हेलो एवरीवन, आज हम लोग को देखना है बैकअप रिस्टोर। तो बैकअप रिस्टोर कैसे करते हैं उसको हम लोग आज सीखेंगे। बहुत सिंपल सा प्रोसेस है और सबसे पहले तो ये समझेंगे व्हाट इज बैकअप। बैकअप होता क्या? तो बैकअप का मतलब सिंपल सा होता है, अपनी कंपनी की एक कॉपी बना के रखना, ताकि अगर कल को कंप्यूटर आपका क्रैश कर जाए या आपका हार्ड डिस्क क्रैश कर जाए या कोई भी मिस हैपनिंग हो जाए, तो कम से कम हमारा जो डेटा है वो मिस ना हो। हर कंपनी के लिए डेटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना। तो उस कंपनी को संभाल के रखना ये भी आप अकाउंटेंट की जिम्मेदारी है। तो आपको क्या करना होगा, उस डेटा का एक बैकअप बना के रखना होगा एवरी डे। शाम को जाइए तो आप बैकअप जरूर करके जाइए। तो बैकअप बनाने के लिए जस्ट लाइक हम सबसे पहली चीज़ तो हम लोग क्या करते हैं, एक फोल्डर बनाते हैं। तो जैसे कि मैं डेस्कटॉप पे आया, मैं यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट एन के साथ प्रेस किया, आप एक फोल्डर बना लेते हैं, ठीक है ना। इस फोल्डर का नाम मैंने रख दिया सपोज न्यू एरर, सही है। तो ये फोल्डर बनाया, अब इसी फोल्डर में हम क्या करेंगे, अपनी कंपनी का बैकअप बनाएंगे, ठीक। तो बैकअप बनाने के लिए जस्ट लाइक यहाँ पे हम लोग टैली ओपन करते हैं। पहले तो हम एक अपनी कंपनी सेलेक्ट करते हैं, कंपनी जिसको आपको बैकअप बनाना है, ठीक है। तो सिलेक्ट करते हैं हम एक कंपनी, जस्ट लाइक हमने यहाँ पे कंपनी बनाया, कंपनी सेलेक्ट किया क्या, न्यू एरा एजुकेशन लिमिटेड, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इसी कंपनी का बैकअप बनाना है। तो बैकअप बनाने के लिए हम लोग अल्ट वाई पे जाएंगे, दैट मीन्स डेटा मेनू में। डेटा मेनू में यहाँ पे होता क्या है, बैकअप। तो बैकअप पे हम लोग क्या करेंगे, एंटर। जैसे बैकअप पे एंटर करेंगे, ध्यान रहे यहाँ पे सबसे पहली चीज हमें देखना है बैकअप डेस्टिनेशन पाथ, ठीक है, कि हमें कहाँ पे वो बैकअप रखना है। तो बैक स्पेस दबा के हम लोग ऊपर जाते हैं और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव में, ठीक है। हम चाहे तो एड्रेस कॉपी करके पेस्ट भी कर सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा तरीका होता है सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव में जाइए, कहाँ पे आपने रखा है, डेस्कटॉप के ऊपर, कहाँ, न्यू एरा फोल्डर, इंटर। अपने आप एड्रेस आ जाएगा, यहाँ पे कॉपी पेस्ट करने का झंझट नहीं है। देन कंपनी नेम, कंपनी का नाम क्या है, जस्ट लाइक न्यू एरा एजुकेशन, इसी को हमें करना है। इसके बाद हम लोग चाहे तो एक साथ और एक से अधिक भी कंपनी का बैकअप बना सकते हैं, बट फिलहाल हमें एक ही कंपनी बनानी, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर यहाँ पे एंड ऑफ लिस्ट कर दीजिएगा, एंड ऑफ लिस्ट करते ही एक्सेप्ट, ठीक है ना, ओके। फिर जैसे यहाँ पे एक्सेप्ट करते हैं, सेव करते हैं, अब आप देख सकते हो विंडो डी से आप ये मिनिमाइज करके देखिए न्यू एरा फोल्डर में बैकअप बना के नहीं बना। तो या देखो टीबी के फाइल आ गई, और ध्यान से अगर देखोगे तो टीबी के, टी फॉर टैली, बी के मतलब बैकअप, 900 इनकी कोडिंग है, बाकी 10,002 ये आपके फोल्डर नंबर है, जो फोल्डर नंबर का बैकअप बना है। तो इस तरीके से देखो 112 KB का ये फोल्डर बन गया बैकअप के साथ। अब क्या करना है, अब हम लोग चाहते हैं क्या, इस कंपनी को एक बार डिलीट करते हैं और फिर कोशिश करते हैं उस बैकअप डेटा को क्या करना, रिस्टोर करना। तो कंपनी को डिलीट कैसे करते हैं ये भी यहाँ पे समझ लीजिए। अल्ट के में जाते हैं हम लोग, यहाँ पे अल्टर में जाएंगे और यहाँ पे कौन सी कंपनी हमें डिलीट करना है ये पहले देखते हैं। तो यहाँ पे हमें डिलीट करना है किसे, न्यू एरा एजुकेशन लिमिटेड को, है ना। तो न्यू एरा एजुकेशन लिमिटेड एंटर करते हैं और अल्ट के साथ डी दबाते हैं। अल्ट्रेशन में जब कंपनी के अल्ट्रेशन में आएंगे उसके बाद ही हम उसे डिलीट कर सकते हैं। अल्ट के साथ डी जैसे दबाते हैं, डिलीट यस या नो, तो एंटर कर देंगे, या तो यस दबा देंगे, वाई दबा देंगे, दोनों में से कोई भी। तो मैं एंटर दबा दे रहा हूँ, एक बार कंफर्मेशन और मांगता है, आर यू श्योर, अगेन एंटर कर दीजिएगा। फाइनली कंपनी आपके डिलीट, चेक कर लीजिए कंपनी डिलीट हुई कि नहीं हुई। अल्ट के में जाके सेलेक्ट कंपनी में जाके आप चेक कर सकते हैं। तो देखो सेलेक्ट करते ही यहाँ पे न्यू एरा एजुकेशन नहीं है यहाँ पे, ठीक है। अब सवाल उठता है, सर हो तो गया, अब उसे हमें रिस्टोर करना है बैकअप से। एक और चीज, जब बैकअप आप बना के रखते हो ना डेस्कटॉप पे, तो नॉर्मली हम डेस्कटॉप पे कोई भी फोल्डर को रखते नहीं, आपको पता है। इसको फिर कहीं डी आई ड्राइव में कहीं अच्छी जगह कहीं सेव करके रख दीजिए। तो चलिए वो भी मैं करके दिखा देता हूँ। तो इसको मैं यहाँ से कट करता हूँ और उठा के इसको ले जा करके सपोज ई ड्राइव में मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, सही है। तो ई ड्राइव में मैंने यहाँ से क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। अब पेस्ट करने के बाद अब क्या करना है, रिस्टोर करना है। तो रिस्टोर करने के लिए कहाँ पे जाएंगे हम लोग, अल्ट वाई में, अगेन रिस्टोर। लेकिन ध्यान रहे इस बार एड्रेस मैंने चेंज कर दिया है, एड्रेस क्या है, चेंज है। पूछता है रिस्टोर कहाँ करना है, रिस्टोर तो यहीं करना है, यूजर के अंदर, पब्लिक के अंदर, टैली प्राइम डेटा, सारा टैली यहीं पे सेव होता है, सारी कंपनियां। तो हम लोग जाएंगे कहाँ से, सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव से, आपको पता है ई ड्राइव में, ई ड्राइव में क्या, न्यू एरा फोल्डर, न्यू एरा एजुकेशन लिमिटेड। यहाँ देखो ये भी टाइम भी बता रहा है किस डेट में किस टाइम पे आपने इसको बैकअप बनाया है, इंटर, एंड ऑफ लिस्ट, एक्सेप्ट, ओके। अब एल्ट के में जाएंगे और सेलेक्ट कंपनी करेंगे तो आपकी वो जो डिलीटेड कंपनी है वो वापस यहाँ पे आ गई होगी, न्यू एरा एजुकेशन लिमिटेड,
ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग बैकअप और रिस्टोर कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एवरी डे हर दिन हम बैकअप जरूर बनाएंगे। सपोज करो आज फिर हमने कोई काम किया, फिर हमें बैकअप बनाना है, फिर वाई पे जाएंगे, फिर बैकअप बनाएंगे, और बैकअप में ध्यान रहे डेस्टिनेशन पाथ पे जाना है, यहाँ पे अगेन सेम एड्रेस दिखा देंगे, ई ड्राइव में न्यू एरा यहीं पे हमें बनाना है, कौन सी कंपनी, न्यू एरा एजुकेशन और फिर एंड ऑफ लिस्ट। ये हमेशा पूछेगा कि देखिए सर ऑलरेडी हमने कल हमने बैकअप लिया था, आज फिर वहीं पे फिर दोबारा बैकअप ले रहे हो तो ओवर राइट कर दे, तो बिल्कुल ओवर राइट कर दे, क्योंकि कल की अगर बैकअप ने लिया तो वो कल तक का काम था, आज का और काम उसमें ओवर राइट करना है, तो बिल्कुल एंटर करके हम उसे ओवर राइट करते हैं। तो ये सिलसिला हमेशा चलता रहता है, एवरी डे शाम को बैठ के बैकअप लेंगे, चाहो तो उसे पेन ड्राइव में रख सकते हो, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क में रख सकते हो, तुम्हारे ऊपर सही है नहीं सही है, उसको इस जगह पर रख दो। सो मेरे ख्याल से ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, अगर वीडियो समझ में आया तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब बटन दबाना भले भूल जाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।